अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ना है। ये काफी लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम जिसमें आपको आंशिक भिन्नों का समाकलन पढ़ना है। आंशिक भिन्नों का समाकलन करने पढ़ने के लिए उचित भिन्न ये पूरा ज्ञान आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसी का प्रारूप का समाकलन आंशिक भिन्न में करना है। उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के नियम पुनः समझ ले कि उचित भिन्न को आंशिक भिन्न व्यक्त करने के नियम ये हम पहला अध्याय पहला प्रश्न वाली में पढ़ चुके हैं। आइए पहली बात करते हैं। जब हर में रैखिक गुणनखंड के रूप में दिया है उचित भिन्न कैसा होगा रैखिक गुणनखंड के रूप में ये कैसे दिया होगा एफ एक्स बटे एक्स धन ए एक्स धन बी और एक्स धन सी इसका आंशिक भिन्न क्या होगा ए बटे एक्स धन ए बी बटे एक्स धन बी सी बटे एक्स धन सी। जब हर दो या दो से अधिक पदों में दिखाई दे रैखिक गुणनखंड के रूप में इसको अलग अलग फैक्टर में लेते हैं एक बटे एक्स धन ए धन बी बटे एक्स धन बी धन सी बटे एक्स धन सी। दूसरी बात करते हैं जब हर में रैखिक गुणनखंड की रैखिक गुणनखंड का पुनरावृत्ति हो एक से अधिक बार दिया हो हर तो इसका प्रारूप कैसे रहेगा एफ एक्स बटे एक्स धन ए पूरे का वर्ग एक्स धन बी। हर में रैखिक गुणन की पुनरावृत्ति मतलब एक्स धन ए दो बार दिया हुआ है जब दो बार दिया हुआ तो इसका हल कैसे निकल के आएगा ऐसा नियम कैसे निकल के आएगा ए बटे एक्स धन ए धन बी बटे एक्स धन ए पूरे का वर्ग धन सी बटे एक्स धन बी। क्या क्या बताया जा रहा है आपको उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में व्यक्त करना है रैखिक गुणनखंड के रूप में हो रैखिक गुणनखंड का पुनरावृत्ति के रूप में। फिर आगे चले तो तीसरा प्रारूप आपके सामने कैसे होगा हर में द्विघाती पद तब आंशिक भिन्न क्या होगा इसके बारे में डिस्कस कर ले एफ एक्स बटे एक्स धन ए और एक्स वर्ग धन बी। हर में एक्स की घात दो तो हर में द्विघाती पद दिया हुआ
पुनरावृत्ति पद आया, एक से अधिक पद है, अब द्विघाती पद आएगा तो इसका आंशिक भिन्न हो जाएगा a बटे x धन a धन बी एक्स धन सी बटे एक्स का वर्ग धन बी। इसमें सब ए बी सी नितांग राशि है, अन्योन राशि है, जिसका मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ए बी सी सभी का मान नियम से ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस टाइप से बात आंशिक उचित भिन्न को हम आंशिक भिन्न में व्यक्त करने के नियम पढ़ लिए। अब इसको समाकलन कैसे करेंगे इसके बारे में आइए बात करें। क्वेश्चन या प्रश्न आपके सामने होगा, समाकलन 3x बटे x बिंदु x धन 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मान दिख रहा है एक बटे एक्स तीन दो या तीन एक्स बटे एक्स तीन दो एक्स धन एक, ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न हमको पता है कि अंश का घात हर के घात से कम होना चाहिए, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। इसका जब हम हल करें तो इसको मानेंगे, माना I बराबर समाकलन 3x बटे x ऋण 2 x धन 1 dx। ये उचित भिन्न को अब हमको आंशिक भिन्न व्यक्त करना पड़ेगा, तो ये इसको मानना पड़ेगा 3x बटे x ऋण 2 और x धन 1 को। पुनरावृत्ति पद नहीं है, एक से अधिक पद हर रैखिक गुणनखंड के रूप में, तो a बटे एक्स ऋण दो धन बी बटे एक्स धन एक के रूप में हमने मान लिया। अब यहाँ से हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए आपको पुनरावृत्ति में जाना पड़ेगा। बायां पक्ष का मान वैसे ही रहेगा, परंतु दायां पक्ष में आपको लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए, एक्स ऋण दो एक्स ऋण दो कैंसिल, तो एक्स धन एक से एक का गुणा हो जाएगा, धन बी एक्स धन एक धन कट गया तो एक्स ऋण दो, ये दोनों मान हर में है, यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से 3x बराबर ए एक्स धन एक धन बी एक्स ऋण दो। फिर यहां से ए और बी का मान निकालना। ए और बी का मान निकालने के लिए पहला चैप्टर में पढ़ा था कि बी में जो मान दिया उसको जीरो मान के चलते हैं, तो दोनों पक्षों में हम एक्स ऋण दो बराबर जीरो या x बराबर दो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दो गुणित तीन गुणित दो छः, एक दो धन एक तीन, और b इंटू जीरो, b का गुणा शून्य से होता जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से छः बराबर तीन a, a बराबर दो, एक का मान निकला है। फिर बी का मान निकालना है, तो बी का नाम मान निकालने के लिए फिर से हमको ए का मान जीरो रखना पड़ेगा, पुनः दोनों पक्षों में एक्स ऋण दो, ए का मान निकालना है तो बी का मान को जीरो रखेंगे, जीरो रखा आपने
क्या निकल के आया, x बराबर 2। मान रखें b का मान निकालना होगा तो a का मान 0 रखना पड़ेगा, तो यहां x धन 1 हो जाएगा और यहां x का मान ऋण 1 प्राप्त होगा। a का मान निकालना है तो a का मान निकालेंगे, b का मान को अपन 0 माने, b का मान निकालना तो a के साथ जो मान है उसको 0 मानेंगे, x का मान ऋण 1, तो क्या हो जाएगा यहां से 3, तो ऋण 3 और b का मान भी ऋण 3 भी, तो b का मान मिलेगा 1। अब ये मान हमारे सामने निकल के आ गया, समीकरण 1 से निकल के आएगा 3x बटे x ऋण 2 और x धन 1 बराबर a का मान निकल के आया 2 बटे x ऋण 2 और 1 बटे x धन 1। ये आंशिक उचित भिन्न आंशिक भिन्न में व्यक्त हो गया, ठीक है। ये प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ चुका है, पुनः पुनर्ज्ञान आ गया कि आंशिक भिन्न को अपने को इस रूप में हल करना है। आगे चलते हैं, अब ये मान इस जगह पे सब प्रतिस्थापित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I बराबर समाकलन 2 बटे x ऋण 2 धन 1 बटे x धन 1 और अब यहां से समाकलन की का प्रक्रिया 2 बटे x ऋण 2 dx धन समाकलन 1 बटे x धन 1 dx, तो 1 बटे x ऋण 2 का समाकलन log x ऋण 2 होगा और 1 बटे x धन 1 का समाकलन log x धन 1 होगा। ये आंसर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन आपको इस रूप में करना पड़ेगा। प्रारूप आपको पुराना रिकॉर्ड को दुरुस्त करके जो मान आया उसका समाकलन करना, आंशिक भिन्न को अपन उचित भिन्न को अपन आंशिक भिन्न में व्यक्त करेंगे, दो या दो से अधिक पदों में तोड़ना क्या कहलाता है, आंशिक भिन्न कहलाता है संयुक्त भिन्न को। उसके बाद फिर ए बी सी का जो भी मान निकाल के आपको समाकलन करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आगे चलते हैं कि काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, समाकलन आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, इस चैप्टर में आपको पूरे फार्मूले जो पूरे सूत्र है उसको आप कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखकर उसको आप प्रश्न बनाते समय उसका उपयोग कीजिए तो समाकलन आपके लिए सरल हो जाएगा। अब आगे आते हैं प्रतिस्थापन के प्रयोग से आंशिक भिन्न का समाकलन करना है। प्रश्न कैसे रहेगा, समाकलन cos x बटे एक धन साइन एक्स 2 धन साइन एक्स,
और dx का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया जिसको अपन हल करेंगे। इसको i बराबर लेके चलते हैं, i बराबर cos x बटे एक धन साइन x, दो धन साइन x dx। इसको मान लिया हमने, माना i बराबर के रूप में। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन के प्रयोग से आंशिक भिन्न का समाकलन। अब यहाँ से अब प्रतिस्थापन क्या करना है? प्रतिस्थापन आपको याद रखना पड़ेगा, साइन एक्स का प्रतिस्थापन करेंगे। तो इसको साइन एक्स बराबर मानेंगे टी, साइन एक्स का बराबर टी प्रतिस्थापित करेंगे। अभी साइन एक्स का फिर हम अवकलन करेंगे, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी के रूप में प्रतिस्थापित हो गया, और एक बटे एक धन टी, और ये दो धन टी हो जाएगा। एक बटे एक धन टी और दो धन टी डी टी, ये मान प्रतिस्थापित हो जाएंगे। कॉस एक्स डी एक्स की जगह मान डी टी आएगा, ठीक है, एक धन टी और दो धन टी। अब ये आप फिर से पुनः क्या आ गई, उचित भिन्न आ गया। फिर उचित भिन्न के लिए फिर से वही प्रक्रिया आएगा आपके सामने कि हमको फिर से हमको यहां पर मानना पड़ेगा, माना एक बटे एक धन टी दो धन टी बराबर आंशिक भिन्न होगा ए बटे एक धन टी धन बी बटे दो धन टी। ये आई के बराबर है ये मान। अब इसको फिर से अपन वही काम करेंगे, एक बटे एक धन टी और दो धन टी बराबर एक धन टी दो धन टी, एक के साथ क्या हो जाएगा दो धन टी धन बी एक धन टी। फिर इस परिस्थिति में क्या आएगा, ये मान और ये मान कैंसिल कर जाएंगे, एक बराबर एक दो धन टी बी एक धन टी, इन मानों में ए और बी का मान निकालेंगे दोनों पक्षों में। हमको करना पड़ेगा एक धन टी बराबर जीरो, टी का मान ऋण एक। फिर से पुनः दो धन टी बराबर दोनों पक्षों में हम एक धन टी बराबर जीरो, तो टी का मान माइनस वन, माइनस वन रखे हैं ए बराबर टी हो जाएगा क्या ए, कोष्टक में दो ऋण एक टी का मान एक और बी का वैल्यू जीरो। तो यहाँ ए का मान क्या मिलेगा एक, ऐसे ही बात निकल के आएगा। पुनः हम दो धन टी को जीरो रख दे या टी बराबर ऋण दो रख देते हैं, तो क्या निकल के आएगा मान एक ए गुणित जीरो, दो धन टी का मान जीरो क्योंकि जीरो मान के चले, बी का मान क्या हो जाएगा एक ऋण दो, टी का मान ऋण दो लिखा हुआ है एक, तो ऋण बी, बी का मान निकल के आएगा ऋण एक। इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा मान
यहाँ पास आई का मान, आई ये हो जाएगा एक का मान, एक एक धन टी, और बी का मान ऋण एक धन दो बटे टी। यहाँ डायरेक्ट मान हमने रख दिया डी टी, फिर समाकलन कर दीजिए तो ये लॉग एक बटे टी होगा ऋण लॉग दो बटे टी होगा, और टी का मान एक धन साइन एक्स ऋण लॉग दो धन साइन एक्स। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हमको इस टाइप से प्रश्न बनाने होंगे और बनाकर आपको रखना होगा। ऐसे ही आपका ई एक्स वाले पद आएंगे और ई एक्स वाले पद को भी आपको हल करना है। अब तक हमने ये प्रतिस्थापन विधि से आंशिक भिन्न में व्यक्त किया, इसके बाद आगे और चलते हैं। तब एक नया समाकलन के रूप में हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे ही आएंगे और प्रश्न को आपको हल करने हैं। जितनी तन्मयता से आप गणित की पढ़ाई करेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। गणित में 100 नंबर के प्रश्न होते हैं और 100 नंबर आपको सही सही आपने हल किया तो 100 में 100 मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी। अब आइए अपन इस टाइप से प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स की घात दो धन एक, एक्स की घात चार धन ए एक्स का वर्ग धन एक, और एक्स का वर्ग ऋण एक बटे एक्स की घात चार धन ए एक्स वर्ग धन एक का समाकलन। तो ऐसे समाकलन को ज्ञात करना होगा, ऐसे समाकलन को ज्ञात करेंगे या ज्ञात करना होगा तो इसके आंसर हर में अपने को एक्स की घात दो से भाग करना पड़ेगा। आंसर हर में एक्स का वर्ग से भाग देंगे। भाग देंगे देने पर, भाग देने के बाद इस प्रक्रिया से जब बात आएगी तो हमको यहाँ x ऋण एक बटे x को t मानना पड़ेगा। इस सिचुएशन के लिए, इस प्रारूप के लिए, इस प्रारूप के लिए x धन एक बटे x को t मानेंगे। ऊपर में धन का चिन्ह है तो ऋण वाले को t मानना पड़ेगा, जहाँ ऋण है उसमें नीचे के पदों में x धन एक बटे x को t मानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाकलन करने के लिए। तो इस टाइप से अगर आपको प्रारूप या प्रश्न दिखाई दे तो आपको प्रश्न को हल कैसे करना होगा आइए चर्चा करते हैं। समझ में आया कि इसमें x की घात दो, इसमें भी दोनों में x की घात दो से अलग अलग है तो दोनों में x की घात दो से भाग देने के बाद फिर यहाँ x ऋण एक बटे x को t मानेंगे, x धन एक बटे x, x धन एक बटे x बराबर t मानेंगे। अब इस टाइप से प्रश्न आए तो प्रश्न कैसे आएंगे देख लेते हैं। x का वर्ग धन एक बटे x की घात चार धन x का वर्ग धन एक dx का मान जाती है, ये प्रश्न है। तो इसको हम क्या करें, I बराबर x का वर्ग धन एक बटे x की घात चार धन x का वर्ग धन एक dx। तो मैंने बताया था अभी मेथड विधि कि ऐसा दिखाई दे तो हमको आंसर हर में
अंश और हर में एक्स का वर्ग से भाग देंगे, भाग दे तो अंश में बटे एक्स वर्ग हुआ तो एक्स वर्ग कटेगा, एक बचेगा यहां पास धन एक बटे एक्स वर्ग बचेगा। फिर एक सिघात चार से एक सिघात दो कट जाएगा तो एक सिघात दो बचेगा, धन एक्स का वर्ग से एक बचेगा या धन एक बटे एक्स का वर्ग बचेगा। ठीक है, साथ में डी एक्स, ये तीनों रूप में ध्यान से देखें तो ये ए वर्ग दिख रहा है, ये बी वर्ग, अगर एक बटे एक्स का वर्ग है तो बी वर्ग, ये धन दो ए बी, इसको हमको ऋण दो ए बी में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से, आई बराबर समाकलन एक धन एक बटे एक्स का वर्ग, फिर एक्स का वर्ग ये ऋण दो, फिर एक्स, फिर एक बटे एक्स धन एक बटे एक्स का वर्ग। क्लियर करें कि हमने धन दो की जगह सॉरी धन एक की जगह ऋण दो लिख दिया, ये एक्स एक्स कट जाएंगे तो ऋण दो बचेगा, लेकिन यहां पास क्या आना चाहिए धन एक, तो हमने ऋण दो जोड़ा तो यहां धन तीन घटाएंगे। जोड़ने का मतलब ये ऐसा है कि ऐसा लिखा हुआ x का वर्ग धन ऋण दो ऐसा, तो तीन में ऋण दो घटेगा तो धन एक जैसे करता ऐसा। अब ये प्रारूप हमको क्या मिलेगा, सूत्र के रूप में मिलेगा, i बराबर एक धन एक बटे x का वर्ग, फिर x ऋण एक बटे x पूरे का वर्ग धन तीन। इस रूप में दिखाई देगा तो हमने कहा था कि x ऋण एक बटे x को t मानेंगे, x ऋण एक बटे x बराबर t मान लिया, इसका आकलन करें तो dx बटे dx एक हो गया, एक सिघात ऋण एक होगा, ऋण एक यहाँ आएगा तो धन हो जाएगा, और ऋण एक ऋण दो हो जाएगा तो एक बटे एक्स का वर्ग हो जाएगा यहाँ पास, और डी एक्स बराबर डी टी। तो आई का मान क्या निकल के आया बच्चों, ये हो गया आपका एक धन एक बटे एक्स वर्ग डी एक्स का मान डी टी, और एक बटे ये मान टी वर्ग, टी वर्ग हो गया, इसको अपन कर देते हैं वर्ग में लाने के लिए, वर्गमूल तीन का वर्ग, और ये पूरा मान डी टी के रूप, तो यहां से क्या हो जाएगा मान जो है फिर से एक सूत्र में आए पुराना रिकॉर्ड में जाए तो क्या हो जाता है, ये समाकलन डी एक्स बटे एक्स का वर्ग धन ए का वर्ग, इसका मान एक बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए, इसमें इसको प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा एक बटे ए एक बटे करने तीन, फिर टेन टी टेन इनवर्स टी फिर करने तीन। फिर टी का मान देखें, टी का मान हमने क्या बताया एक्स ऋण एक बटे एक्स बटे करने तीन, एक्स ऋण एक बटे एक्स टी का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर एल्स का आगे का हल एक बटे करने तीन टेन इनवर्स ये एक्स का वर्ग ऋण एक
बटे एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स कर्णी तीन, ये आंसर। तो इस टाइप से प्रश्न आपको हल करने आने चाहिए। ये सब विधियां हैं जो हमने बताया कि कहां से एक्स वर्ग से गुणा आंसर हमें भाग करना पड़ेगा, भाग करने के बाद किसको टी मानना है, फिर किसको टी करके फिर का समाकलन कर देना है। टी माना फिर उसको हमने अवकलन किया, मान रख दिया, आ गया। अब आइए कुछ दूसरी बात करते हैं। प्रश्न कैसा रहेगा, टेन एक्स डी एक्स का मान जाती है, तो इसका हल कैसे होगा, क्वेश्चन है, इसका हल कैसे होगा, आई बराबर समाकलन टेन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना समाकलन टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स बराबर टी वन, इसको अवकलन कर दे तो टेन एक्स का अवकलन सेक वर्ग एक्स और डी एक्स, और टी वर्ग का अवकलन टू टी डी टी। चूंकि हमको डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, यहां पर से डी एक्स बराबर टू टी बटे सेक वर्ग एक्स डी टी। आइए फिर काम की बात करते हैं। डी एक्स बराबर टू टी एक धन टेन वर्ग एक्स डी टी। देखिए फिर से यहां पर एक धन टेन वर्ग एक्स क्यों लिखेंगे, यहां पर सब समीकरण से, और टेन एक्स का मान क्या है टी का वर्ग, तो यहां से क्या निकल के आएगा टू टी एक धन टेन एक्स मतलब टी का वर्ग पूरे का वर्ग, टेन एक्स का मान टी वर्ग, टेन एक्स का वर्ग है तो टी का वर्ग पूरे का वर्ग, तो हो जाएगा ये टू टी अपान वन प्लस टी की पावर फोर, दो टी बटे एक धन टी की घात चार डी टी। फिर अब मान क्या हो जाएगा, I बराबर टेन एक्स करनी, टेन एक्स का मान हमने t माना है, डी एक्स का मान क्या निकल क्या है टू टी एक धन टी की घात चार डी टी, तो I बराबर टू टी का वर्ग एक धन टी की घात चार डी टी। आगे देखिए इस मानों को, हमको हमने जो पहला नियम बताया था कि समाकलन कैसे करने हैं उस बातों पे चलेंगे, तो इस बातों पे अपन क्या लिखेंगे, I बराबर टी वर्ग धन एक धन टी वर्ग ऋण एक, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमको एक आइडिया होना चाहिए, हमने यहाँ क्या लिखा टू टी वर्ग को हमने टी वर्ग धन एक टी वर्ग ऋण एक, एक ऋण एक शून्य हो जाएगा, टी वर्ग धन टी वर्ग टू टी वर्ग हो जाएगा। अब एक धन टी की घात चार डी टी, अब यहाँ आई बराबर टी वर्ग धन एक बटे टी की घात चार को पहले लिख लीजिए, धन एक
डी टी, फिर धन टी वर्ग ऋण एक, टी वर्ग धन चार धन एक डी टी। यहां से क्या होगा, फिर से हमने को वही प्रक्रिया टी की घात दो से भाग देंगे आंसर हर में, आंसर हर में टी वर्ग से भाग देने पे क्या निकल के आएगा, टी वर्ग से टी वर्ग कट जाएगा, एक धन टी वर्ग, टी वर्ग धन एक बटे टी वर्ग डी टी, फिर ये हो जाएगा एक ऋण एक बटे टी वर्ग, टी वर्ग धन एक बटे टी वर्ग और डी टी। फिर यहां से क्या होगा, I बराबर समाकलन ये एक बटे टी वर्ग होगा। देखिए यहाँ पास क्या होगा, टी की घात दो से टी की घात दो कटेंगे एक होगा, तो एक बटे टी वर्ग, एक बटे एक धन एक बटे टी वर्ग, फिर टी वर्ग धन एक बटे टी वर्ग। इस का रूप में अपने को ऋण दो मान के चलना पड़ेगा, ऋण दो किया है तो धन दो करोगे आप, फिर धन एक ऋण एक बटे टी वर्ग, टी वर्ग धन एक बटे टी वर्ग धन दो ऋण दो डी टी। ये प्रक्रिया है आई बराबर एक धन एक बटे टी वर्ग, ये सूत्र में आएगा टी ऋण एक बटे टी पूरे का वर्ग और दो। फिर डी टी फिर धन फिर एक ऋण एक बटे टी वर्ग, ये तीनों सूत्र में आएंगे टी धन एक बटे टी पूरे का वर्ग ऋण दो डी। अलग अलग रूप में मान लें इसको, टी ऋण एक बटे टी बराबर एक्स, एक्स हो चुका है x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, t धन एक बटे t को y, t का आकलन एक और एक बटे t का आकलन करेंगे तो ऋण एक बटे t वर्ग हो जाएगा, तो ये धन एक बटे t वर्ग होगा और dx dt बराबर dx। फिर यहां ऐसे ही होगा t एक ऋण एक बटे t वर्ग होगा dt बराबर dy। क्या निकल के आएगा, i बराबर ये मान dx के पदों में, ये मान x वर्ग के रूप में आ जाएगा, मतलब समाकलन एक बटे x का वर्ग धन करणी दो का वर्ग और dx, फिर धन dy y का वर्ग ऋण करणी दो का। I बराबर x वर्ग धन a वर्ग सूत्र, तो एक बटे करनी दो टेन
इनवर्स एक्स बटे करनी दो। फिर ये सूत्र किस में जाएगा? एक बटे एक्स का वर्ग विनय वर्ग और डी एक्स, तो ये होता है एक बटे दो ए, एक बटे दो ए और लॉग एक्स धन ए बटे एक्स ऋण ए। ये सॉरी ये ऋण में आएगा और ये धन में आएगा। डालिए प्रयोग कीजिए, एक बटे दो वर्गमूल दो, फिर लॉग वाई ऋण करनी दो वाई धन करनी दो। मान रख दीजिए अब यहाँ एक बटे करनी दो टेन इनवर्स एक्स का मान क्या है टी ऋण एक बटे टी करनी दो धन एक बटे दो करनी दो लॉग वाई का मान क्या लिया हमने टी धन एक बटे टी ऋण करनी दो बटे टी धन एक बटे टी ऋण करनी दो। इसके आगे की प्रक्रिया आप कर लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। चलिए हम आगे एक स्टेप और ले लेते हैं, फिर आप घर से कल बना के लाइए फिर हमको दिखाइए। ये टी वर्ग ऋण एक बटे टी करनी दो धन एक बटे दो करनी दो लॉग टी का वर्ग धन एक ऋण टी करनी दो बटे टी का वर्ग धन एक ऋण टी करनी दो। शिफ्ट आपको मान क्या रखना है टी का मान रख देना, टी का मान हमने क्या माना है टेन एक्स, तो टेन एक्स हो जाएगा, ये टू टेन एक्स हो जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया आप इसमें टी का मान रख दीजिए इसका उत्तर आ जाएगा। तो आज ये समाकलन का चैप्टर आपका खत्म हो गया और आपको याद रखना कि समाकलन आप जहाँ भी जाएंगे चाहे आप कॉलेज में जाइए तो कॉलेज में भी आपको बहुत लंबे चौड़े चैप्टर मिलेंगे और इस लंबे चौड़े चैप्टर के बाद आपको पूरे रूप से सूत्र पूरे रूप से समझ होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।